आखिरकार दो जिंदगियां खामोश हो गई, बिना कुछ करे, बिना किसी कसूर के वो जिंदगियां अब खामोश हो गई है। अभी अभी हमें पता चला है कि आखिरकार पापा की नशीली परियों ने दो मासूमों की जान ले ली। मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी की रात ठीक 2 बजे जो घटना हुई थी, जिसमें आतिफ और हुसैन अपने एक्टिवा से मोमिनपुरा की ओर जा रहे थे कि सदर से तेज गति से आई कार ने इन दोनों को उड़ा दिया था, जिसके कारण हुसैन की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी और आतिफ को पहले मेवा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसके बाद में न्यूरॉन में एडमिट करवाया गया था। लेकिन अभी अभी एक चौंकाने वाली खबर, दुखदायक खबर आ रही है कि उसका भी इंतकाल हो चुका है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। दोस्तों आज रविवार है और यह घटना शनिवार की है, रात 2 बजे की, लेकिन आज रविवार को 9 बजे खबर आ रही है, इसी वक्त मैं जब खबर आपको सुना रहा हूं कि आतिफ का भी इंतकाल हो गया, आतिफ की भी मृत्यु हो गई। सोचिए कि इन दोनों परिवारों के घर में किस तरह से मातम छाया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जो एक्सीलेटर पर तो पैर रख देती है लेकिन किसी की जिंदगी के बारे में नहीं सोचती। अपने जरा से शौक के लिए किसी की जिंदगी को, किसी के परिवार को बर्बाद कर देते हैं वो पापा की परियां, जिन्हें अपने मां बाप खुली छूट दे देते हैं। एलआईसी चौक से रामझूले की ओर तेज गति से भगा रही थी और ये आतिफ और हुसैन अपनी व्हाइट कलर की एक्टिवा से मोमिनपुरा की ओर जा रहे थे कि इसने ये कार से जो जिसके अंदर 2-3 पापा की परियां बैठी थी, उन परियों ने इन्हें जा मारा, ठोस मार दी, जिसके कारण हुसैन की वही घटनास्थल पर मौत हो गई और आतिफ को मेवा हॉस्पिटल वहां से न्यूरॉन में एडमिट करवाया गया था, जहां अभी इस वक्त यानी कि रविवार की 9 बजे मृत्यु होने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आतिफ जो है बहुत ही सुखी और अच्छे परिवार से हैं और ये नागपुर पश्चिम के अवस्थी नगर चौक पे रहते थे, ये और हैदराबाद में किसी कंपनी में जॉब करते थे। पहले पूना थे, पूना से इनका ट्रांसफर हैदराबाद में हुआ और हैदराबाद से 2 दिन ही हुए थे कि वो अपनी माँ की तबीयत देखने के लिए वो नागपुर आए थे और अपने दोस्त के साथ बताया जा रहा है कि अपने दोस्त के साथ रवि नगर थे और रात 2 बजे के समय वो अपने दोस्त हुसैन को मोमिनपुरा छोड़ने के लिए जा रहे थे कि पीछे से तेज गति से एक गाड़ी आई, अनबैलेंस हुई क्योंकि उसमें पापा की परियां जो नशा करके बैठी थी, गाड़ी चला रही थी, नियंत्रण हुई और थर्ड से पीछे से जाके उन्हें ठोक दिया, जिसके कारण हुसैन की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और आतिफ को न्यूरॉन में एडमिट करवाया गया था। में और नागपुर में शोक की लहर दौड़ी है, चिंता का विषय बना है कि नागपुर में हो क्या रहा है, पुलिस के लिए सवालिया निशान है। जबकि आतिफ को और हुसैन को पीछे से जिस कार ने मारी उस कार में दारू की बोतलें पाई गई, सिगरेट के पैकेट पाए गए, इसकी जांच तहसील पुलिस कर रही है। ऐसी नशीले और बड़े बाप की बेटी हो या बेटा हो, पुलिस ने नकेल कसना चाहिए कि रात के समय तेज गति से गाड़ी भगाना या इतनी रात तक 2 बजे रात तक कैसे बाहर रहना। जो सुखी परिवार के लोग होते हैं उनके बच्चे इतनी रात तक बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये पापा की परियां रात के 2 बजे, सवाल तो ये उठता है कि वो क्या कर रही थी, कहां नशा कर रही थी और कैसे कर रही थी, क्यों जा रही थी, क्यों इतनी तेज गति से गाड़ी भगा रही थी। ऐसे लोगों को अपनी तो जान की परवाह नहीं होती है, लेकिन साथों साथ सामने वाले की भी जान की ये लोग परवाह नहीं करते कि किसी के घर का चिराग बुझ जाए, किसी के परिवार का बच्चा बिछड़ जाए, किसी माँ से अपना बेटा बिछड़ जाए, अब किसी परिवार से अपना भाई बिछड़ जाए। ये इस तरह का कोई इनके ऊपर रोक टोक प्रशासन की ओर से नहीं है। नागपुर पुलिस की ढिलाई सामने आ रही है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है, नागपुर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या आने वाले समय में भी इसी तरह से कानून व्यवस्था बनाई रखेगी पुलिस, या इसी तरह से लोगों को नशीली बच्चे उड़ाते रहेंगे, ये भी एक सवाल है।
लोगों की, नागपुर की जनता की मांग है कि ऐसे नशीली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सजा दें, क्योंकि दो जाने चले गई एक साथ, उन दोनों जानों की भरपाई तो वो दे नहीं सकते, लेकिन सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इन दोनों या तीनों जो लड़कियां थी कार के अंदर, उन्हें सख्त से सजा दी जाए, उन्हें पनिशमेंट दी जाए कि आगे चलकर कोई ऐसा किसी के घर का चिराग ना बुझाए।